फ्रेंड्स, आज की वीडियो थोड़ी लंबी है पर बहुत इंटरेस्टिंग है। तो ये कारगुजारी है परम की, जिन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है। परम जो है यूट्यूबर है, जैसे मैं वीडियो बना रहा ऐसे ही परम यूट्यूबर हैं, वो वीडियोस बनाते थे, इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन देते थे। तो उन्होंने इस्लामिक वीडियोस पे रिएक्शन देखते देखते इस्लाम कबूल कर लिया। तो उनकी कारगुजारी है कि उन्होंने इस्लाम क्यों कबूल किया और इस्लाम के बारे में उन्होंने काफ़ी कुछ बताया है। तो पहले वीडियो देख लेते हैं और फिर वीडियो के बारे में बात करें। इंडियन मुस्लिम की ये वीडियो है, तो इनके चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, चेक कर सकते हो। तो चलो वीडियो देख लेते हैं पहले, फिर वीडियो के बारे में बात करेंगे। और इन्हीं इस्लामिक वीडियोस को देखते देखते इनको आखिर में सच्चा रास्ता यानी इस्लाम मिल ही गया। अल्लाह ने इनको ऐसी हिदायत दी कि परम भाई हिंदू से मुसलमान बन गए। सुनिए परम सिंह के मुसलमान बनने की कहानी उन्हीं की जुबानी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आप सबने जो ये इतने सारे कमेंट्स किए, इतने ज्यादा आपने प्यार दिया, इतनी सारी दुआएं दी, मैं इस चीज को हजम नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है कि मेरा जो प्रीवियस रिलीजन क्या था, ठीक है, वो मैं आप सबको बताता हूँ। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, तो मैं इस चीज को आज क्लियर करता हूँ। पहले हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। तो आप ऐसे समझ सकते हो कि हमारे घर पे ऐसा था कि आप सब भगवानों को मानो, लाइक इंसानियत को मानो। हमें बचपन से ये सिखाया गया है कि आपको इंसानियत की सेवा करनी है, आपको इंसान बनना है, आपको हर एक इंसान की रिस्पेक्ट करनी है, उसको अच्छे से देखना है। हमारे मॉम डैड ने हमें यही सिखाया है बचपन से, एंड मैं समझता हूँ कि ये तालीमात की वजह से आज मुझे सच्चाई का पता चला और मैंने इस्लाम कबूल किया। यही एक रीज़न। अभी बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होगा कि मेरे डैडी जो हैं सरदार हैं, दिखते सरदार हैं, तो आप हिंदू सिख कैसे? तो ऐसा है कि जैसे मैंने बताया, घर पे कोई भी मतलब सबको मानते हैं, तो हमारे घर पे ऐसा था कि हम सब जगह जाते थे, ठीक है, हर जगह पे, चाहे वो चर्च हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे वो टेम्पल हो, चाहे गुरुद्वारा हो, सब जगह जाते थे। तो जो सेकेंड टॉपिक है वो है हमारा, हाउ आई गॉट टू नो अबाउट इस्लाम, इस्लाम के बारे में मुझे कैसे पता चला। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हमने वीडियोस पे रिएक्शन देना स्टार्ट किया क्योंकि इस्लामिक वीडियोस पे ज़्यादा व्यूज आते थे कंपेयर टू अदर वीडियोस, चाहे वो सॉन्ग्स हो, चाहे वो मूवीज के रिएक्शंस हो, बट इस्लामिक वीडियोस। अतरुल गाजी बहुत चल रहा था उस टाइम पे, भाई साहब मेरे को अभी याद आया, अतरुल गाजी, भाई हमने अतरुल गाजी पे, भाई मेरे भाई बहन ने मिलके इतने रिएक्शन दिए, और भाई एक एक लाख। सबसे पहला हमारा जो सबसे पहला हरमन कौन सा वीडियो था, ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटाइन, हाँ ऑटोमन वर्सेस बाइजेंटाइन पहला वीडियो हुआ था जो वायरल हुआ था, 1 लाख व्यूज आए थे उस पे। बस हम उसके पीछे हाथ धो के बढ़ गए थे अतरुल गाजी पे। भाई अतरुल गाजी देखते देखते ना इस्लाम के बारे में जो थिंकिंग थी 360 डिग्री चेंज हो गई, 360 डिग्री। इस्लाम को पता क्या समझता था मैं, अगर सपोज कोई बंदा मुस्लिम है, राइट, तो हमारे दिमाग में आता था लाइक मुसलमान पाकिस्तान, मुसलमान टेररिस्ट, मुसलमान हिंसा, मुसलमान ये, मुसलमान वो। दिस इज द थिंकिंग ऑफ पीपल राइट नाउ। मोहम्मद सब के लिए, जो ये सीरीज आप देख रहे हो मोहम्मद सब के लिए, शहीद मिफ्ताही साहब की जो ये सीरीज है, ये सीरीज की वजह से मुझे इस्लाम का बहुत कुछ पता चला। रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में पता चला, सहाबा के बारे में पता चला, सारी जंगों के बारे में पता चला। 1 साल में कुरान कंप्लीट किया हमने, 1 साल रमजान तक, 2021 से लेके 2022 के रमजान में मैंने इस्लाम कबूल किया था अकेले। यस, मैंने 1 साल पहले इस्लाम कबूल किया था, आज से ठीक 1 साल पहले। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था तभी मैंने नमाज पढ़ना स्टार्ट किया था। अब्दुल शकूर भाई, अगर वो देख रहे हैं वीडियो, उन्होंने मुझे नमाज पढ़ने के लिए बहुत हेल्प करा। उन्होंने मुझे लिख के भेजा कि भाई ये तुझे बोलना है, ये ऐसे रुकू होता है, ऐसे सजदा होता है, सना कैसे पढ़ी जाती है, सना याद की मैंने। भाई मेरे को नहीं हो रहा था याद, मैं टाइम लगता है यार, बट हो गया मुझे याद, मैं सब याद आता, मैं अभी मुझे सब आता है, एंड मैं बहुत अच्छे से नमाज पढ़ सकता हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सुकून मिलता है। 1 साल से मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, आप सोचो। थर्ड टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, व्हिच इज व्हेन आई एक्सेप्टेड इस्लाम। इस्लाम मैंने कब कबूल किया? मैंने इस्लाम कबूल किया था 2022 के रमजान में, माशाल्लाह 1 साल पहले, ठीक 1 साल पहले मैंने इस्लाम कबूल किया था, शहादत दी थी, मैं अभी भी वो चीज़ मुझे याद है, एंड मैं बहुत खुश था उस दिन।
मैंने किसी से शेयर नहीं किया, किसी से भी, किसी को नहीं बोला, सच कह रहा हूँ, नो वन। मेरे और अल्लाह के बीच में था वो, जो था मेरे और मेरे अल्लाह के बीच में, और कोई भी उसमें मुलव्विस नहीं था। मतलब आप समझो, मैं नीचे बैठ के मेरे अल्लाह के लिए मैंने शहादत दी, मेरे अल्लाह को मैंने माना, ठीक है, रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने आखिरी पैगंबर माना। एंड जान दो यार, मैं इमोशनल हो जाऊंगा अभी बहुत ज़्यादा। इट वॉज अलग फीलिंग थी यार, बहुत बहुत अलग फीलिंग थी वो, मैं बता नहीं सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई आई टुक सो लॉन्ग टू अनाउंस, मैंने इतना टाइम क्यों लगा दिया। जब मैंने इस्लाम कबूल किया था, मेरे को हिम्मत नहीं थी किसी को भी बताने की, मैंने किसी को भी नहीं बताया, मतलब मैंने गिने चुने लोगों को बताता था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, मेरे में हिम्मत आनी स्टार्ट हुई, तो मैंने कुछ कुछ लोग, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात कि दूसरा रिलीजन एक्सेप्ट करना, फिर लोगों को बताना, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। मैं काफ़ी अरसे तक मेरे में हिम्मत नहीं थी ये चीज़ की, मैं सच कह रहा हूँ। मे बी वो शैतान होता है ना, कि सही काम करने के लिए आपको पीछे खींचता है, आपको डराता है कि भाई मत कर, मत कर, मत कर, मत कर, तो हिम्मत नहीं थी। एक बार तो मैंने YouTube पे डाल भी दिया था कि आज एक गुड न्यूज़ सुनाऊंगा। मैंने उस दिन सोचा कि यार आज बता देंगे, यार कुछ होगा, जो होगा देखा जाएगा, और भाई साहब मेरे मुंह से निकल ही नहीं पाया, सोचो निकल नहीं पाया। बट स्टिल यार मैं बहुत हिंट देता था यार आप सबको, यार मैं बोलता था मैं नमाज पढ़ता हूँ यार, स्टिल आप सबको समझा नहीं है, हद होती है यार किस चीज़। मेरे मॉम डैड को भी, मॉम डैड का वीडियो अलग से बनाऊंगा, उनका रिएक्शन सारी चीजें बताऊंगा, एकदम तफसील से बताऊंगा पूरा, तफसील। इस्लाम लाने के बाद मेरी लाइफ में चेंजेस क्या आए, राइट, कि मैं इस्लाम कबूल किया तो उसके बाद चेंजेस क्या आए थे मेरी लाइफ में, तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, मैं बहुत ज्यादा सुधर चुका हूँ, हराम चीजों से दूर, नजरों की हिफाजत काफी हद तक, मे बी मैं काफी हद तक समझ लो, अगर पहले मैं 100% था तो अभी 80% ठीक हो चुका, 20% अभी भी, इंसान थोड़ा इंसान होता है ना पागल, गुनाहगार, तो वो थोड़ा सीन है, बट स्टिल यार 80% सुधरना इट्स अ वेरी बिग थिंग बिकॉज ऑफ इस्लाम। एंड उसके बाद हम्बल, दारू मैं पहले से नहीं पीता था, मुझे पसंद ही नहीं है, सिगरेट मैं पीता नहीं हूँ, और बाकी मेरे को कोई नशे की कोई आदत नहीं है बचपन से ही, आई एम क्लीन, वेरी क्लीन। एंड मैं पूरा वो था, क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड टू एक्सेप्ट इस्लाम। एंड और उसके साथ साथ पार्टीज में जाता था, हाँ क्लब्स में जाता था मैं, क्लब्स में, बट वहाँ पे पीता नहीं था, डांस करता था, क्लब्स में जाके डांस करता था, डिस्को बड़ा पसंद था, अच्छी अच्छी जगहों पे जाके डांस करना, अच्छे क्राउड में जाना है ना, बेहयाई क्राउड में ऐसे समझ लो, बट अभी नहीं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ कभी ज़िंदगी में भी जाऊँगा और उसके साथ साथ मेरी लाइफ में और क्या चेंज आया, मेरी लाइफ में नमाज की वजह से मेरी हेल्थ अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज की वजह से मैं गुनाहों से बचता हूँ, नमाज की वजह से मेरी जो टाइम टेबल है वो बहुत अच्छी हो चुकी है, मैं मैनेज कर सकता हूँ, मैं तीन काम करता हूँ, मैं जॉब करता हूँ, आई एम अ डिलीवरी मैनेजर इन MNC मल्टीनेशनल कंपनी, उसके साथ साथ मैं यूट्यूब की वीडियो शूट करता हूँ डेली, उसके साथ साथ एफिलिएट मार्केटिंग ऑनलाइन अर्निंग करता हूँ, राइट, अपने माँ बाप की और ज़्यादा इज्जत, उनको और ज़्यादा प्यार, उनके लिए चीज़ें करना, ये एक और चेंजेस आए हैं जो पहले थोड़ा सा मिसिंग था। प्यार तो करते ही हैं हम, इजहार नहीं करते हैं, तो वो इस चीज़ में भी थोड़ा सा चेंज आया, राइट, अपने माँ बाप को भी हमने हिदायत दी एंड उनको भी अच्छे से समझाया सारी चीज़ें, मैं मम्मी डैडी का अच्छे से बनाऊँगा, एक मम्मी डैडी का, ब्रदर सिस्टर का, राइट, ये पार्ट टू है, तो थोड़ा सा सबक अभी लास्ट, ये लास्ट जो टॉपिक है नमाज, नमाज ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसके ऊपर तो मैं मतलब घंटों बोल सकता हूँ। अच्छा, माय फेवरेट टॉपिक, जितने भी यहाँ पे लोग वीडियो देख रहे हैं, अगर आप ये देख के आए हो कि भाई एक नॉन मुस्लिम ने लाइक एक इस्लाम कबूल किया है, उसको माशाल्लाह बोलते हैं, उसको मुबारकबाद देते हैं, सबसे पहले आप खुद को देखो, खुद को देखो कि आप बींग अ मुस्लिम, आप अपने दीन को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरों के सामने, क्या आपको देख के कोई इस्लाम कबूल करेगा, आपको देख के,
ये सोचो पहले खुद को देख के कि मुझे देख के क्या कोई मेरे दीन को स्टडी करने का सोचेगा भी। आपको असलियत पता चलेगी खुद की। पूछता हूँ, मैं बहुत लोगों को पूछता हूँ भी कि भाई आप नमाज पढ़ते हो? अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, बट कभी कभी हमारी फजर की नमाज रह जाती है, हम सो जाते हैं, उठा नहीं जाता हमसे, रात को काफ़ी देर तक काम करते हैं। ओ भाई इधर देखो, 18 घंटे काम करता हूँ, क्या है मेरे पास, आपके पास क्या ऐसा बहाना है? 18 घंटे काम करता हूँ मैं, नाइट शिफ्ट करता हूँ, सुबह उठता हूँ, फिर जोहर की, असर की, मगरिब की, इशा की, फिर फजर, क्या उठा नहीं जाता है? 1,00,000 रुपए इनाम रखता हूँ, 1,00,000 रुपए सुबह की फजर की नमाज का। भाग के आओगे, भाग के डायरेक्ट सबसे पहले खड़े होगे कतार में नमाज पढ़ने के लिए। पैसों के लिए करोगे, खुद के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं करना है? ये क्या बात हुई? जिसने आपको सब कुछ देना है उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते हो? आप दूसरों के साथ क्या ही लॉयल रहोगे? आप अपने दीन के साथ क्या लॉयल रहोगे, ये बताओ मुझे। परम भाई ने तो अपनी स्टोरी बयां कर दी। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूं कि मुझे उनके मुसलमान बनने पर कैसा लग रहा है। परम सिंह एक हिंदू सिख फैमिली से बिलोंग करते हैं, मगर अब अल्हम्दुलिल्लाह वो मुसलमान हैं। उन्होंने स्टार्टिंग में एक डरा देने वाली बात कही, अगर आपने गौर किया हो तो। उन्होंने कहा कि मैंने यूट्यूब से इस्लाम सीखा। क्या आप इस बात को फील कर सकते हैं? सोचे कितने अफसोस की बात है कि आज गैर मुस्लिम को यूट्यूब से इस्लाम सीखना पड़ रहा है। हम मुसलमान मुर्दा हो चुके हैं। होना तो ये चाहिए था कि गैर मुस्लिम हम मुसलमानों को देखकर, हम मुसलमानों से इस्लाम सीखकर मुसलमान बनते, मगर आज गैर मुस्लिम सोशल मीडिया के जरिए से अपने खुद की मेहनत से रिसर्च करके इस्लाम ला रहे हैं। क्यों? क्योंकि खुद मुसलमानों को ही उनके दीन का इल्म नहीं है, तो दूसरों को तो क्या दीन सिखा देंगे। दोस्तों, परम भाई ने अपनी वीडियो में अपने माँ बाप का भी जिक्र किया है। मैं थोड़ा डाउट में हूँ कि उनके माँ बाप ने भी इस्लाम कबूल किया है या नहीं। उनके भाई बहन भी हैं, वो भी उनके साथ ही वीडियोस में नजर आते हैं, क्या उन्होंने भी इस्लाम अपना लिया है या नहीं, वल्लाहु आलम। दोस्तों, परम भाई ने हमारी भी कई वीडियोस पर रिएक्शन दिए हैं। हो सकता है कि उनके इस्लाम लाने में हमारा भी जर्रा बराबर हिस्सा शामिल हो। बिल्कुल। दोस्तों, परम भाई के इस्लाम अपनाने की बात से तो मुझे खुशी मिली ही मिली है, मगर उन्होंने अपनी वीडियो के लास्ट में जो नमाज के बारे में बताया, अल्लाहु अकबर, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि मुसलमान फज्र की नमाज के लिए नहीं उठते, मगर उन्हीं मुसलमानों को अगर कहा जाए कि फज्र की नमाज पढ़ने वाले को 1,00,000 रुपए हर नमाज के लिए दिए जाएंगे, तो हर मुसलमान आधी नींद में भी नमाज पढ़ने मस्जिद में पहुंच जाएगा। कितनी गहरी बात थी ये, अगर तुम समझो तो। मुसलमानों, एक बात कहना चाहूंगा, परम भाई अब मुसलमान जरूर बन गए हैं, मगर आप लोग अब उनको किसी चीज के लिए फोर्स मत करना, परेशान मत करना कि परम भाई दाढ़ी रखो, टोपी पहनो, पजामा टखनों से ऊंचा करो और अपनी माँ बहनों को पर्दा कराओ वगैरह। परम भाई अभी सिर्फ इस्लाम में दाखिल हुए हैं, ये फैसले आप उन्हीं पर ही छोड़ देना। दोस्तों, आज के इस मुसलमानों से नफरत के माहौल में भी परम भाई का इस्लाम अपनाना और फिर उसे पब्लिकली अनाउंस करना उनकी हिम्मत और उनके ईमान की मजबूती को दर्शाता है। परम भाई, यकीनन हिंदू संगठन जरूर आपको परेशान करेंगे, आपको इस्लाम छोड़ने पर मजबूर करेंगे, मगर आप डटे रहना। किसी भी तरह की मदद दरकार हो तो मैं आसिफ खान और मेरे चैनल का हर एक सब्सक्राइबर हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। दोस्तों, परम सिंह अब एक मुसलमान है, इसीलिए वो अपना नाम भी बदल सकते हैं, ना भी बदले तो भी कोई बात नहीं, ये उनका अपना फैसला होगा। मगर मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि अगर आप परम भाई का कोई इस्लामिक नाम रखना चाहें तो कौन सा नाम रखेंगे, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी ये। थे परम, उन्होंने हाल ही में इस्लाम कबूल किया है, इस्लाम से उन्होंने 1 साल पहले कबूल कर लिया था, पर लोगों के सामने बताया नहीं था, वो तो बाद में बताया उन्होंने अभी, तो इनकी उस वीडियो पे भी मैं रिएक्ट दे चुका हूँ, वो वीडियो भी मैं आपको दिखा चुका हूँ जिसपे इन्होंने इस्लाम कबूल करने की पूरी कारगुजारी बताई थी। तो इनकी दूसरी वीडियो थी, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, और आज के माहौल में जिस तरह से इस्लाम कबूल करना कितना मुश्किल है, मतलब लोग डरते हैं, तो अपने आप से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, दूसरों डरते हैं कि लोग आ जाएंगे, मारने आ जाएंगे, पीटने आ जाएंगे, लोग देखेंगे किस नज़र से देखेंगे, यार दोस्त किस नज़र से देखेंगे। तो बहुत हिम्मत चाहिए अपना रिलीजन छोड़ना, मुस्लिम बनना भी बहुत बड़ी बात है, और दूसरी बात दूसरे रिलीजन को एक्सेप्ट करना भी बहुत बड़ी बात है। अगर तुम दूसरे रिलीजन भी छोड़ दो अपना धर्म छोड़ के, तो उसमें भी कितने दिक्कतें आती हैं।
तो जिस तरह से आज का माहौल चला उस हिसाब से इन्होंने इस्लाम कबूल किया, बहुत बड़ी बात है इनके, मतलब एक बहुत बड़ी कुर्बानी है इनको, क्या जरूरत थी। पता नहीं कितने यूट्यूबर्स ऐसे हैं जो मुस्लिम वीडियोस देखते हैं, दुनिया भर का पैसा कमाते हैं, पर उन्हें अल्लाह हिदायत नहीं देता, वो इस्लाम नहीं कबूल करते। इनसे भी ज़्यादा पैसा कमाते हैं, इनसे भी ज़्यादा व्यूज़ आते हैं उनके, पर अल्लाह उनको हिदायत नहीं देता तो वो इस्लाम कबूल नहीं करते। बिल्कुल इस्लाम की तरह ट्रीट बातचीत करते हैं वो, हर चीज़ करते हैं, पर फिर भी इस्लाम कबूल नहीं करते, क्योंकि अल्लाह जिसको हिदायत देता है वो इस्लाम कबूल करते हैं। और परम भाई ने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, दूसरा नाम इनका मुझे पता नहीं क्या, पर इनकी मैंने एक वीडियो देखी थी, इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया है, बहुत जल्दी इन्हें सर्टिफिकेट मिलने वाला है, तो ये बहुत जल्दी उम्र करने वाले जाने वाले हैं, बहुत एक्साइटेड है उम्र करने के लिए। तो मैंने इनकी काफ़ी सुनी, 2-3 वीडियो पर रिएक्ट कर चुका हूँ। तो ये इस मदरसे में गए थे पापा को लेके ना, मदरसे में गए थे तो वहाँ पे इनका बहुत वार्म वेलकम हुआ था, पूना का एक मदरसा था, मदरसे के अंदर गए थे तो वहाँ पे इन्होंने इस्लाम की जानकारी दी भी और ली भी। तो इनके पापा अभी सिख धर्म को फॉलो कर रहे हैं, इनके पापा के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इन्होंने जब अपने पापा को बताया ना मुस्लिम हो गया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी नहीं, इनके पापा के साथ इनकी बॉन्डिंग बहुत अमेजिंग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो थी, इंडियन मुस्लिम की वीडियो थी, इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, साथ साथ परम भाई के चैनल का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जाकर चेक कर सकते हो। तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक बहुत सारा ध्यान रखिए, बाय बाय।